विटामिन ई है, यूकलिप्टस है एंड रोजमेरी है एंड इसमें मेंथॉल भी है। ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि आपका स्किन स्मूथ हो, आपका जो शेविंग आप कर रहे हो वो क्लीनली शेव्ड हो और आपके स्किन में वो नरिशमेंट पहुंचा रहे हो। ये क्या करता है, आपके स्किन को सॉफ्ट करता है, आपके जो कट्स होते हैं छोटे छोटे शेविंग के वक्त उसे ये हील करने में मदद करता है। इसमें एक कूलिंग इफेक्ट आपको एज अ आफ्टर शेव आपको मिलता है। तो बहुत सारे लोग आप में से सभी मतलब पुरुष जो है जो शेविंग करते हैं आप देखते होंगे, आप अगर मार्केट से कोई प्रोडक्ट से शेविंग क्रीम से शेविंग कर रहे हो तो क्या होता है, आपका स्किन बहुत ही खुरदरा हो जाता है, उसके बाद कट्स होते हैं, उस जलन होता है, तो उसके वजह से आपको आफ्टर शेव यूज करना पड़ता है या फिर फिटकरी जो होता है उसे यूज करना पड़ता है। तो आप अगर ये हमारा क्रीम शेविंग क्रीम यूज कर रहे हो तो ये ऑल इन वन है, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका स्किन भी ड्राई नहीं होगा, आपकी स्किन में जो कट्स है उसे भी ये हील करने में बहुत मदद करेगा। फिर आता है हमारा विटामिन थेरेपी प्रोफेशनल रेंज। तो प्रोफेशनल रेंज जब हम सुनते हैं, स्पेशली महिलाओं को पता होगा, आप लोग जब ब्यूटी पार्लर जाते हो तब देखते होंगे हर प्रोडक्ट में लिखा होता है कि ये प्रोफेशनल जैसे लॉरियल प्रोफेशनल, लोटस प्रोफेशनल, ये सारे चीज आपको दिखता है। स्पेशली आप फेशियल करते हो तो फेशियल प्रोडक्ट में वो लिखा होता है, लेकिन बाहर की जो आप जब जाते हो वहाँ पे आपको पता नहीं होता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट आपके ऊपर यूज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या केमिकल्स है वो आपको पता नहीं होता है, जिससे क्या होता है आप फेशियल के बाद आपका स्किन मतलब कभी कभी जलने लगता है, कभी कभी छोटा छोटा बम्स आ जाता है, रैशेस निकल जाता है, तो क्या होता है वो खराब तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसके वजह से हमारा नेटसर्व भी विटामिन थेरेपी के साथ हमारा प्रोफेशनल रेंज लाए है। इसमें एक्चुअली फेशियल का ही किट है ये, जिसमें 6 प्रोडक्ट है। तो आप ये अगर घर में ही बैठ के यूज कर रहे हो तो क्या होता है, आप शायद कोई कोई महिला क्या होता है महीने में एक बार ब्यूटी पार्लर जाते हैं फेशियल करवाने के लिए, या फिर 2 महीने में एक बार, या फिर कभी आप कोई फंक्शंस हो ओकेशंस हो उसके पहले ब्यूटी पार्लर जाते हो, वो तो हमारा तो लगा ही रहता है फंक्शंस ओकेशंस, तो हमें हमेशा ही जाना पड़ता है। तो आप अगर ब्यूटी पार्लर में नहीं जा रहे हो फेशियल के लिए तो क्या होता है, एक तो आपको पता नहीं होता है कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, एक तो आपको पता नहीं होता कि उसके बाद आपके स्किन में क्या मतलब रैशेस निकलेगा, क्या रिएक्शन होगा, आपको डर लगा रहता है, आप हमेशा पूछते रहते हो कि अच्छा इससे मेरे स्किन को कुछ होगा तो नहीं, तो आपको पता नहीं होता है। ब्यूटी पार्लर में तो बता देता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आपका रैशेस निकल आते हैं, ऐसा मुझे भी कितनी बार हुआ है। तो इसी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप घर में बैठ के यूज कर सकते हो, आप खुद यूज कर सकते हो, या फिर किसी प्रोफेशनल को लाके आप प्रोडक्ट उनको देके आप यूज कर सकते हो, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर्स में आप जब जाते हो तो क्या होता है आपका एक बार में ही 1000 रुपया खर्च हो जाता है फेशियल में, या फिर 600-700 रुपया खर्चा हो जाता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट है अगर आप अकेले यूज कर रहे हो ये आपको 2 साल तक आपका साथ देगा, तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसका MRP है, मार्केट प्राइस जो है वो है 1320 रुपया, जो कि आप लोगों को क्योंकि आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हो तो आपको और भी कम डिस्काउंट में मिलता है, तो आपके लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपके स्किन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है, कोई गलत रिएक्शन नहीं होता क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक है, हर्बल प्रोडक्ट है, तो साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है प्रोफेशनल रेंज में फेस लोशन। ये इसमें विटामिन सी है एंड लेमन एक्सट्रैक्ट है। तो ये क्या करता है, हमारे स्किन के ऊपर जो डर्ट है स्वेट है उसे रिमूव करता है, एक्सेस जो ऑयल होता है सेबम कहते हैं उसे, उसे रिमूव करता है, बैक्टीरियास को हटाता है स्किन से, स्किन को हाइड्रेट करता है एंड स्किन के जो यूथफुलनेस है उसे बरकरार रखने में मदद करता है। ये आपके स्किन के ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके स्किन में से डेड सेल्स को हटाता है, स्किन में ग्लो लाता है और स्किन को नेचुरली वाइटन करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फेस स्क्रब। ये एक जेंटल स्क्रब है, इसमें विटामिन B3 है, विटामिन ई है, विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, मैंने आपको बताया था। ये इसमें गुआवा एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके स्किन को स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन के जो डेड सेल्स को है उसको हटा के आपके स्किन को इम्प्रूव करता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है और स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करता है। तो इसका बेनिफिट्स क्या है, ये स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, ये जो अर्ली स्किन के एजिंग का साइंस होता है उसे प्रिवेंट करता है और स्किन को
एक्ने का जिनका प्रॉब्लम है पिंपल्स का, उससे भी स्किन को बचाता है। नेक्स्ट जो है फेशियल मसाज क्रीम, ये स्पेशली एंटी एजिंग फॉर्मूला से बनाया गया है। इसमें विटामिन B3 है, पपाया एक्सट्रैक्ट है एंड पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, इसको रिहाइड्रेट करता है, स्किन के डेड सेल्स को आपके स्किन से हटाता है और एक ग्लोइंग फर्म स्किन आपके सामने ला के रखता है। तो ये स्किन के जो मसल्स होते हैं, जो कि एजिंग के साथ साथ क्या होता है, एज के साथ साथ हमारे स्किन जो है वो थोड़ा फैलने लगता है, वो लूज होने लगता है, तो उसे टाइट करता है, उस स्किन मसल्स को टाइट करता है, अपलिफ्ट करता है उसे ऊपर की तरह। फिर आप अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे फेशियल स्किन में उसे इम्प्रूव करता है। थोड़ा जो सनबर्न हो जाते हैं कभी विदाउट सन प्रोटेक्शन निकलने के बाद, तो उसे उस सनबर्न को रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट को, एज के स्पॉट्स जो होते हैं उन्हें रिड्यूस करता है, और हमारे जो रिंकल्स है उन्हें भी मिनिमाइज करके हमारे स्किन को एक फुल लुक देता है। फिर आता है हमारा फेस मसाज जेल, ये एंटी एक्ने फॉर्मूले से बना हुआ है। इसमें ऑरेंज एंटी ट्री ऑयल है अलॉन्ग विद विटामिन सी। तो ये क्या करता है, ये ऑयल फ्री एक फॉर्मूला है जो कि हमारे एक्ने को मिनिमाइज करने में, मतलब हमारे पिंपल्स को छोटा करने में मदद करता है। हेल्थ स्किन के जो कंसर्न्स होते हैं अदर एक्ने रिलेटेड कंसर्न्स, उसे कम करने में मदद करता है, स्किन को ब्राइटन करने में मदद करता है, स्किन के फर्मनेस को बरकरार रखने में मदद करता है। जैसे कि मैंने बताया कि स्किन उम्र के साथ थोड़ा लूज होता है, तो उसे टाइटन करने में, अपलिफ्ट करने में मदद करता है, एक्ने स्पॉट्स को हटाने में मदद करता है, स्किन के मसल्स को, फेशियल मसल को अपलिफ्ट करने में मदद करता है। एक इसमें नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होता है जो कि एक्ने को क्योर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो आपको इससे मिलता है। सनबर्न्स को, डार्क स्पॉट्स को, एज के स्पॉट्स को रिमूव करने में मदद करता है, और ये नेचुरली आपके स्किन को ब्लीच करता है। और ये जो एंटी एक्ने फॉर्मूला से बनाया हुआ है, ये जेल बेस में है, तो ये जिनका बहुत ही ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और मैंने जो पिछली बार बताया था फेशियल मसाज क्रीम, ये एंटी एजिंग फॉर्मूला से बना हुआ है, और क्योंकि ये क्रीम फॉर्म में है तो ये जिनका बहुत ही ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर हमारे पास है फेस पैक, इसमें है ब्लैक ग्रेप एक्सट्रैक्ट, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। ये क्या करता है, हमारे स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे एब्सॉर्ब करता है, स्किन को रिहाइड्रेट करने में मदद करता है, ये स्किन के फॉर्मनेस को बढ़ाता है, स्किन में जो ओपन पोर्स है, मतलब जो रोम छिद्र जो ओपन हो जाता है क्लेंजिंग के बाद, उसे छोटा श्रिंक करने में मदद करता है, एक्ने को फाइट करने में मदद करता है, वो वापस से ना आए उसका ख्याल रखता है, उसमें मदद करता है, स्किन को डार्कनिंग मतलब डार्क होने से ये प्रिवेंट करता है, सन टैन से ये मुक्ति देता है, और ये आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को सही करने में, इंप्रूव करने में मदद करता है। फिर है हमारा टोनर, इसमें है विटामिन ई एंड वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारे स्किन के जो पोर्स है श्रिंक करने में, उसे छोटा करने में बहुत मदद करता है। टोनर का काम ही हमारे पोर्स को छोटा करके हमारे स्किन में एक सूदिंग फीलिंग लाए, रिफ्रेशिंग फीलिंग लाए, तो एनवायरनमेंट के डैमेज से भी ये बचाता है आपके स्किन को, मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को, सन डैमेज से भी प्रिवेंट करता है, और एंटी एजिंग की भी काम करता है। तो ये गया हमारा पूरा प्रोफेशनल का जो फेशियल का रेंज है। तो उसमें और भी एक प्रोडक्ट है जो एवरीडे मेकअप के तौर पे आप यूज कर सकते हो, उसका नाम है विटामिन थेरेपी बीबी क्रीम। तो इसमें ब्राजील नट ऑयल है, विटामिन ई है, और ये इंस्टेंटली आपके स्किन में एक रेडियंस लाता है, एक फेयरनेस इफेक्ट देता है, इवन टोन स्किन देता है आपको, एंटी एजिंग के हिसाब इफेक्ट्स भी इसमें है, तो आपको एंटी एजिंग का स्किन को ये इफेक्ट भी देगा, और इसमें SPF 15++ है, तो ये आप एज अ सनस्क्रीन भी यूज करके बाहर निकल सकते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, महिलाएं जब बाहर जाते हैं या फिर पुरुष भी बाहर जाते हैं कोई फंक्शन में, दिन के फंक्शन में, डे के फंक्शन में जाते हो, तो महिलाएं तो फाउंडेशन लगा लेंगी, पाउडर लगा लेंगी, कितना कुछ मेकअप कर लेंगी, लेकिन पुरुष है तो वो लगाने से हिचकिचाहट होता है उनको, क्योंकि वो सोचते हैं हम फाउंडेशन लगाएंगे कैसा लगेगा, लगेगा कि मेकअप किया है। तो ये बहुत ही लाइट फॉर्मूला है, तो आप लगाओगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि आपने कुछ लगाया, और इंस्टेंटली आपके स्किन को एक
अच्छा सा लुक देगा, एक फेयरनेस देगा आपके स्किन को, क्योंकि पुरुषों को भी अच्छा दिखना होता है ना, सिर्फ महिलाएं ही नहीं होते हैं जो अच्छा दिखना चाहते हैं, पुरुष भी चाहते हैं अच्छा दिखना, तो ये सबके लिए है। और ये एवरीडे मतलब एवरी सीजन में आप यूज कर सकते हो। फाउंडेशन की जगह, फाउंडेशन थोड़ा ज्यादा हेवी हो जाता है डे के लिए, तो आप फाउंडेशन की जगह भी इसे यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रोफेशनल कवरेज। फिर आता है हमारा आयुर्वेदा का कुछ है जो है क्रैक्स एंड मतलब हैंड्स का जो क्रैक्स होता है, या फिर हील्स का जो हमारे पैर के तले हील एरिया में जो क्रैक्स होते हैं स्पेशली विंटर सीजन में, उसके लिए भी है। तो आयुर्वेदा क्रैक्स क्रीम, ये हर्ब्स एंड अबोटिक क्रैक्स क्रीम आपको क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके हील्स के और हैंड्स के जो क्रैक्स है उसे ट्रीट करता है, उसे हील करता है नेचुरली। वो वुंड जो होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतना क्रैक आ जाता है कि ब्लीडिंग भी होने लगता है, तो उस ब्लीडिंग को कम करके वो वुंड को हील भी करता है, वो एरिया को ये ब्लीडिंग को कम करता है, स्किन को एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, वो ड्राई जो एरिया होता है उसे सूदिंग एक हीलिंग इफेक्ट देता है, एंड ये स्किन को बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। इसमें एलोवेरा है, कोकम है, लोदरा है। तो ये एंटी एलोवेरा जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी के तरह काम करता है, तो आपके जो वूंड्स है उसे ये हील करने में मदद करता है, स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। कोकम जो है वो ड्राई स्किन को ट्रीट करता है, ये क्रैक्स को एंड ड्राइनेस को हील करने में मदद करता है। लोदरा जो है वो हीमोस्टैटिक एंड इफेक्टिव एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स, इट इज़ अ हीमोस्टैटिक एंड इट इज़ इफेक्टिव इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, मतलब आपके जो वुंड्स है उसमें उसको हील करने में ये मदद करता है। फिर आता है बॉडी के पेन के लिए हमारे पास क्या है। बॉडी का पेन मतलब हमारे नेक में कोई भी मसल पेन हो, हमारे नेक में पेन होता है, बैक में पेन होता है, या फिर लेग के यहाँ पे देख रहे इस एरिया में पेन होता है, तो इसके लिए हमारे पास है आयुर्वेदा मस्क्यूलर पेन क्रीम। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो बॉडी का एक हैंड पेन्स है उसे रिलीफ देता है इंस्टेंटली। ये डिप टिश्यू जो है उसको वो मसल्स को रिलैक्स करता है, उसको पेनिट्रेट करता है और एक वर्म फीलिंग देता है, गर्म सा फीलिंग उसमें लाता है, क्योंकि हमारे जब भी दर्द होता है हम लोग बोलते हैं कि कपड़ा को गर्म करके वहाँ पे आप सेको तो उससे राहत मिलता है, तो ये वही फीलिंग देता है आपको ताकि आपके जो दर्द है पेन है वो जल्दी कम हो जाए। ये बैक पेन को, रूमेटिक पेन को एंड जॉइंट पेन को पेन के ऊपर भी ट्रीट करने में भी इफेक्टिव है। ये स्प्रेंड एंकल्स कभी पैर में लग जाए, एंकल्स पे लग जाए, नी में लग जाए, उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हो। ये मसल्स को रिलैक्स करता है और इफेक्टेड एरिया को हील करता है। इसमें नीलगंडी है, गार्लिक है, वाचा है, गंधपुरा है, तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपको पेन रिलीफ करने में मदद करता है। जाता है हमारा और एक कंसर्न होता है स्किन में, जो कि पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है फेस में, या फिर ब्रूजेस, कट्स हो जाए कहीं पे, जल जाए, वो ब्रूजेस कैसे हील कर सकते हो, एंड ओरल केयर। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास पहले स्किन केयर के लिए है एंटी पिंपल क्रीम। ये क्या करता है, आपके पिंपल एंड एक्ने को ट्रीट करने में मदद करता है। इसमें एलोवेरा है, नीम तुलसी एंड टर्मरिक है। नीम तुलसी आपको पता है कि एंटी बैक्टीरिया का काम करता है, तो ऑफकोर्स ये पिंपल्स करेगा। और टर्मरिक क्या करता है, आपके पिंपल्स के बाद जो दाग छोड़ जाते हैं, जो स्पॉट्स छोड़ जाते हैं, उनको हील करने में मदद करता है। फिर नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम, जो कि मैंने बताया कि कट्स हो जाए, जल जाए, तो वो जलन को, उस बर्न एरिया को, कटेड एरिया को ये हील करने में मदद करता है। फास्ट्रेट क्रीम की तरह आप इसे यूज कर सकते हो, इसमें भी एलोवेरा, नीम एंड टर्मरिक है। और एलो टर्मरिक क्रीम के बारे में मैंने आपको बताया ही था, ये आपको एंटी एजिंग का भी इफेक्ट देता है, आपके स्किन में रेडिएंट एक लुक लाता है, ग्लो लाता है, और जो स्पॉट्स है आपके स्किन में उसे भी, पिगमेंटेशन को भी दूर करने में मदद करता है। इसमें भी एलोवेरा एंड टर्मरिक है। सो नाउ ओरल केयर का जो प्रोडक्ट है हर्बल डेंटल पेस्ट, इस ये कंप्लीट ओरल केयर है। ये आपके मतलब ब्लीडिंग गम्स हो,
आपके मसूरों में दर्द हो, ओरल कैविटी हो, या फिर मुंह में छाले पड़ गए हो, अल्सर्स हो, या फिर दुर्गंध हो, ये सारे जो दांतों की प्रॉब्लम है, मसूरों की प्रॉब्लम से अपने मुंह के अंदर उसको ट्रीट करता है। इसमें एलोवेरा है, नीम है, तुलसी है एंड टर्मरिक है। और क्योंकि हमारे दांतों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे मार्केट में जो पेस्ट मिलते हैं, जैसे कि मैं नाम ले लूँगी किसी का, तो आपको पता ही है बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का पेस्ट मिलता है, तो उनमें क्या होता है, कैल्शियम हमारे दांतों में पहुँचे उसके वजह से वो लोग क्या डालते हैं, वो लोग जो एनिमल्स के जो कार्कसेस होते हैं, मतलब बोन के, उसका डस्ट उसमें डालते हैं, क्योंकि उसमें फॉस्फेट एक चीज़ मिलता है जो कि आपके दांतों को कैल्शियम पहुँचाता है। तो क्या होता है, जो लोग मांसाहारी नहीं होता है, वेजिटेरियन होते हैं, तो लोग भी उसे सुबह उठ के पेस्ट करते हैं, अपने दांतों को मांजते हैं, तो क्या होता है, उनका जो, अगर किसी का फास्ट हो, कोई नॉन मतलब वेजिटेरियन हो, उनका जो भी होता है वो टूट जाता है, तो वो वेजिटेरियन नहीं रहते या फिर फास्ट टूट जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट में क्या है, हमारे प्रोडक्ट में वो जो फॉस्फेट करके चीज़ है, उसका जो सोर्स है स्पेशली एनिमल कार्कसेस से मिलता है वो, तो हमने वो नहीं डाला। तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब इसमें से हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो मैं बोलूँगी नहीं, ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे में हमारे जो डेंटल पेस्ट है उसमें समुंदर के तले से एक सी एल्गाई करके एक होता है, उसमें फॉस्फेट मिलता है, मतलब कैल्शियम का वो सोर्स होता है, तो वो वेजिटेरियन सोर्स है, हमने वही इसमें डाला है। तो अगर कोई वेजिटेरियन भी है वो भी इसे यूज़ करता है, कोई बच्चा भी है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं डाला गया है, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट में बोल ही देते हैं कि 3 साल के नीचे के बच्चा नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और बच्चे वो सहन नहीं कर पाते। तो हमारा प्रोडक्ट कोई भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। तो ये एक अच्छा सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो आप लोगों को मदद करेगा, ये हमारा डेंटल पेस्ट हो या फिर हमारा जो पूरा पर्सनल केयर का रेंज हो वो आपको मार्केट में या फिर आपके कस्टमर्स के पास बेचने में। तो ये था हमारा पूरा पर्सनल केयर का रेंज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप अपने रीजनल मैनेजर्स को या फिर आपके अप्लायंस को बोल सकते हैं, उनके साथ हम बात करके ये वापस से प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपकी क्वेरीज को हम पूरा करें। तो मैं दिव्य सर को अभी बुलाना चाहूंगी कि प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड मैडम के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि मैडम ने सारे पर्सनल केयर के जो रेंज है उसको विस्तारित रूप में बताया। सो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं हमारे दूसरे स्पीकर गेस्ट उनको आमंत्रण करना चाहूंगा, मिस स्मिता, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की अस्मिता मैनेजर है, एंड शी वुड टेक अस थ्रू नए जो प्रोडक्ट रिनोवेशन हुए, रिवैम्प जो हुए हैं, उसके ऊपर हमें एनलाइटन करेंगे। तो स्मिता मैम, अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज कम टू द फ्लोर, एंड ऑल योर्स मैम। थैंक यू दिव्य सर, थैंक यू सो मच। वेल, क्या मैं सभी को पहले तो आज का सेशन के लिए वेलकम करती हूँ और थैंक यू बोलना चाहूँगी इस जोन के हर मैनेजर्स को कि आप लोगों ने मुझे इतना मतलब समझा कि आप लोग का जोन पे आके मुझे ट्रेनिंग देने मिला। भले ही फिजिकली नहीं हूँ, बट आपके साथ जूम मीटिंग का थ्रू मुझे ये मौका मिला है, क्योंकि अगर ये कोरोना नहीं होता तो शायद से आप लोग को मिलने का मौका नहीं होता। तो समवेयर अदर इट्स एन एडवांटेज फॉर मी कि आप लोग को मिलने मिला, ऐसे आप लोग का फेसेस या आपको जो भी है आप लोग का साथ आज इंटरेक्ट करने को मिलेगा। तो मैं अन्वेषा मैम ने ऑलरेडी आप लोग को बहुत सारा चीजें डिटेल्स में बोल ही दिया है। तो हम लोग आज, मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है आपका जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स है हम लोग का पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, वो उसमें कैसे क्या कुछ चेंजेस लाया, दैट मीन्स आपका क्या अपग्रेड किया है जो रिवैम बोला जाता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो प्रोडक्ट्स है, इस हम लोग का जो नेटसर्व बिजनेस में जो हम लोग का प्रोडक्ट्स है वो सभी लोग का जानते हैं कि ये हम लोग का बैकबोन है। डेट मीन्स क्या है, हम लोग जब बैठते हैं पीछे का जो हम लोग का बोन है वो नहीं होने से ना हम लोग खड़ा हो पाएंगे ना बैठ पाएंगे। तो ये हम लोग का जो प्रोडक्ट्स है दैट इज द की टू द सक्सेस, जो हम लोग का बिजनेस अभी इतना सक्सेसफुली रन हो रहा है, बिकॉज ये हम लोग का मेन की है, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट्स इतना अच्छा है
दैट इज व्हाई नेटसर्वास एग्जिस्ट करते हैं. सो प्रोडक्ट्स हम लोग का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हम लोग का है वो आउटस्टैंड करते हैं और माना जाते हैं कि एक ये आपका क्या है एक फ्यूल की तरह काम करते हैं जो बिजनेस हम लोग का रन करते हैं आप लोग के लिए बिजनेस रन करते हैं जिसका वजह से आपका अच्छा पे आउट आता है आप इतना अचीव कर पा रहे समवेयर द अदर आप जो भी अचीवमेंट है वो हमेशा रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स ही होता है. आपका पर्सनल केयर ले लीजिए एग्रीकल्चर ले लीजिए होम केयर ले लीजिए रंग डे जो भी प्रोडक्ट्स है उसी का रिलेटेड आप आज नेटसर्व में जुड़े हैं बिकॉज यूजर बन के आप लोग आज जुड़े हैं. तो हम लोग का प्रोडक्ट्स के लिए एटलीस्ट हम लोग एक ताली होना चाहिए बिकॉज दैट इज वाई हम लोग आज यहाँ पे स्टैंड करते हैं. तो नेक्स्ट हम लोग का जो अभी क्या हम लोग का प्रोडक्ट का फिलोसफी है वो हम लोग का जानना बहुत जरूरी है बिकॉज हम लोग का मेन मोटो जो नेटसर्व का मोटो था वो था आपका प्रोडक्ट्स ऐसा प्रोडक्ट्स लाना जो अपना प्रोडक्ट हो एंड प्लस प्योरली ऑर्गेनिक हो. तो इस चीज को लेके हम लोग का जो है हम लोग श्योरिटी के साथ सर्टिफिकेट दिखा के हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है एंड प्लस हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है. देयर इज नो एनी सच काइंड ऑफ केमिकल्स जो यूज किया गया है या ऐसे क्योंकि ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है. उसके बाद हम लोग का जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमेशा कंज्यूमर नीड्स का हिसाब है दैट इज आपका जरूरत को देख के ही हम लोग का प्रोडक्ट्स बनाया जाता है. उसके बाद ये जो हम लोग का प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी वाइज हमेशा आउटस्टैंड करते हैं हमेशा ये बेटर होता है हमेशा बेटर प्रोडक्ट्स लाया जाता है. तो ये हम लोग का जो प्राइसिंग भी है वो हमेशा अफोर्डेबल प्राइस में होता है. अगर कंपेयर करेंगे आप लोग मार्केट में जो बाहर में मिलता है वो हम लोग का हमेशा प्राइस बहुत प्राइसी हो जाता है एंड प्लस वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स भी यूज करते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं बॉडी के लिए. उसके बाद यह हम लोग का ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल वाइज भी हम लोग का जाते हैं. तो सभी लोग को आप लोग को पता होगा कि हम लोग का प्रोडक्ट्स हम लोग का फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है. उसके बाद ये आपका ग्लोबल जो है हम लोग का इंटरनेशनली भी सेल होते हैं. तो ये प्रोडक्ट्स हम लोग का नॉट ओनली हम लोग का नेशनल वाइज जाते हैं नॉट ओनली इन इंडिया बट आपका ये प्रोडक्ट्स बाहर भी जाते हैं बिकॉज हम लोग का प्रोडक्ट्स वो आपका क्या करते हैं बाहर भी इतना ही डिमांड है कि हम लोग को मार्केट एक्सपांड करके वो हम लोग का बिजनेस को ब्रॉड करना पड़ा. तो हम लोग थोड़ा देखते हैं एक्चुअली क्योंकि बहुत लोग का ये चीज कंफ्यूजन होता है या आप लोग फील्ड में ये चीज महसूस करते हैं बहुत लोग की हाँ प्राइस को क्यों बढ़ाया गया है या ऐसे से बहुत सारा चीज है. तो मैं थोड़ा उसमें बात करना चाहूंगी कि जब भी हर किसी चीज का आपका अपग्रेड किया जाता है प्रोडक्ट्स एक बिजनेस में हमेशा उसमें जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है देयर इज सम सर्टेन स्टेजेस में किया जाता है. जैसे आपका पहला स्टेज है आपका वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्यों हम लोग ये कंपनी क्यों ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये स्टेजेस करते हैं बिकॉज दिस स्टेजेस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम लोग आज प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस में चले एंड प्लस उसमें आपका बेनिफिट हो जो आप बिजनेस के लिए जुड़े हैं जो यूजर्स एज ए यूज कर रहे हैं अपना हेल्थ के लिए तो वो सब चीजें मेंटेन रहे. तो इसलिए जैसे मैंने बोला ऑलरेडी कि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है तो हमेशा ये सर्वे किया जाता है बीच बीच में आपका हमेशा सर्वे किया जाता है. तो पहले करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्योंकि अभी मार्केट में आपका हमेशा आपका सर्वे में क्या करते हैं कि कंज्यूमर लोग के ऊपर सर्वे करते हैं उन लोग का ऊपर बोलते हैं कि आप क्या मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है या कस्टमर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं. देन आपका मार्केट में जो ट्रेंड स्टडी करते हैं मतलब आपका क्या चल रहा है क्या हो रहा है आपका जो कंपिटिटिव प्रोडक्ट्स है उसमें कैसे बिजनेस आ रहा है किस चीज़ का ज़रूरतें हो रहा है तो कैसे कितना कुछ चल रहा है वो चीज़ भी देखा जाता है. उसके बाद आपका स्वॉट एंड गैप एनालिसिस में क्या करते हैं प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ आपका वीकनेस उसके बाद आपका अपॉर्चुनिटी थ्रेट सब कुछ देखा जाता है. और ये गैप एनालिसिस आपका क्या करते हैं कि एक कंपनी क्या चाहते हैं क्या एक प्रोडक्ट को लेके क्या चाहते हैं और एक्चुअल में क्या हो रहा है मार्केट में वो सब चीज भी देखा जाता है. उसके बाद आपका प्रोडक्ट उसमें आपका क्या करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्शुलाइजेशन करते हैं उसमें आपका फॉर्मुलेशन करते हैं. कंसेप्शुलाइजेशन मतलब क्या प्रोडक्ट का एक जो प्रोडक्ट का कंसेप्ट है हम लोग का उसमें क्यों बनाया गया है विजुलाइज किया जाता है उसको. उसके बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी स्टडीज किया जाता है उसमें प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन है वो क्या आपका कस्टमर का आइडेंटिफाई किया जाता है क्या क्या आपका उसमें चाहिए होगा उसके बाद कितना स्टेबल रहेगा प्रोडक्ट ये सब चीज़ भी देखा जाता है. उसके बाद हम लोग का है जो लैब
आपका लैब ट्रायल्स किया जाता है एंड प्रोडक्ट सैम्पलिंग किया जाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है लैब में हम लोग का, ये चीज जो भी फॉर्मुलेशन किया गया उसका हमेशा ट्रायल बेस पे करना होता है। उसके बाद आपका कस्टमर सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड पैकेजिंग, इसमें आपका क्या करते हैं जो हम लोग का क्या करते हैं पोजिशन, मतलब आपका प्रोडक्ट का कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके बाद पैकेजिंग क्या क्या, पैकेजिंग कैसे करना होता है, हर चीज यहाँ पे इंक्लूड होता है। उस यही सब चीज करने के बाद एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। तो ये स्टेजेस होता है प्रोडक्ट को एक डेवलप करने का। उसके बाद जो हम लोग का आज मैं बात करने जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट को भी डेवलप किया गया है, आपका रिवैम्प किया गया है, जैसे कि मैंने बोला रिवैम्प मतलब आपका अपग्रेड किया गया है, क्योंकि अपग्रेड करने से ही आपका जो जरूरतें है वो पूरा हो सके, आपका जो नीड्स है, या अभी जैसे हम लोग का अभी देखा जाए कि हम लोग का अभी टाइम सिचुएशन में हम लोग का जो एनवायरमेंट जो इश्यूज है, हम लोग का एनवायरमेंटल डिजास्टर जो भी आप बोल सकते हैं, वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग का वजह से आपका बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा बीमार, स्किन प्रॉब्लम्स, आपका हेल्थ इश्यूज बहुत सारा फेस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया है। उसके बाद आपका ज़्यादा जो खाना हम लोग खा रहे हैं या हम लोग जो चीज़ें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एंड पॉइजनस होते जा रहे हैं, जिसका वजह से जो हम लोग का पहले जो अमाउंट का इंग्रेडिएंट्स हो या आपका जो मेजर्स हो इंग्रेडिएंट्स का, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 आपका परसेंटेज रिजल्ट जो है थोड़ा कम हो रहा है। तो वो चीज़ को मैच करने के लिए एक ये सर्वे किया गया था, हर आपका कस्टमर का ऊपर सर्वे किया गया था कि आपका रिजल्ट कैसे आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे, ये चीज़ को देखते हुए एक सर्वे करने के बाद ये स्टेप लेना पड़ा कि हम लोग को अभी जो एनवायरमेंट सिचुएशन है उसका हिसाब से, ताकि हम लोग का बॉडी और जो भी प्रॉब्लम्स है 100% क्योर करें, तो उस हिसाब से हम लोग का ये प्रोडक्ट को रिवैम्प करना पड़ा। क्योंकि आप भी जानते हैं पहले जमाने में ऐसा कोरोना चीज का कुछ नहीं था, ये कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन हम लोग का सडन हो जाता है, या कुछ ऐसा सिचुएशन जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ पहले इतना ज़्यादा आपका परसेंटेज बीमार का परसेंटेज इतना नहीं था, या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतना नहीं था हम लोग का, जैसे पहले आप हम लोग का दादी का लोग या उनका जेनरेशन में देखेंगे तो स्किन का क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छा है हम लोग से, क्यों, क्योंकि उस समय का एनवायरनमेंट इतना वो नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा गाड़ी वाड़ी नहीं चलता था, लोग इतना पोल्यूशन में फेस नहीं करते थे, इतना फैक्ट्रीज नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं था, जिसका वजह से पूरा एयर पोल्यूटेड हो गया, इतना केमिकल्स यूज नहीं करते थे लोग, फेस में हमेशा आपका ज़्यादा से ज़्यादा होम इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है, तो ये सब चीज़ का वजह से बहुत सेफ होता है, जो अभी नहीं है, धीरे 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 बहुत ज़्यादा चीज़ें डैमेज होने लगा, जिसका वजह से ये हम लोग आज हम लोग का रिवैम्प प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो पहले जो हम लोग का रिवैम्प प्रोडक्ट हुआ देखेंगे वो है आपका मॉइस्चराइजिंग सॉप, जो ये हम लोग ऑलरेडी मैम ने बताया है कि साबुन का क्या काम करते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो मैं आपका प्राइसिंग के ऊपर थोड़ा बात करना चाहूँगी, क्योंकि पहले जो आपका प्राइसिंग था वो आपका अमाउंट आपका सेम है 75 ग्राम है, तो उसमें आपका क्या हुआ, पहले जो प्राइस था वो 65 रुपीस का था, अभी जो प्राइस है वो 80, जो 5 यूनिट्स में आता है, मतलब एक पैकेट में आपका 5 पीसेस है। तो वो चीज़ आपका इसमें प्राइस का क्यों डिफरेंसेस आया है वो पहले मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि आप लोग फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में आप लोग को ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरा अश्मिता जो मेरा जोन में है हमेशा मुझे कॉल करते हैं, मैम पहले इस साबुन का दाम ऐसा था, उसका दाम ऐसा है, तो अभी कस्टमर लेना नहीं चाहते, या ऐसे बहुत सारा चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं ये चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो एक चीज़ ध्यान पे रखिए, क्यों प्राइस को बढ़ाना पड़ा। तो ये फैक्टर हर चीज में आपका देखेंगे कहीं ना कहीं प्राइजेस का, फर्स्ट आपका जो प्राइस का बढ़ाना पड़ा फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है आपका, आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाला गया है। क्यों डाला गया है, बिकॉज आपका अभी का सिचुएशन और पहले का सिचुएशन सेम नहीं रहा, अभी का ज़्यादा चीज़ें डैमेज ज़्यादा बढ़ने लगा, बिकॉज हम लोग वही चीज़ कंज्यूम करते 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 हम लोग का स्किन क्वालिटी हो, हम लोग का इंटरनल जो हम लोग का ऑर्गेन नर्व टोटल नर्वस सिस्टम हर चीज़ में कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम दिन ब दिन फेस करते जा रहे हैं।
जिसका वजह से हम लोग को ये इंग्रेडिएंट्स ज्यादा ऐड करना पड़ा। जो पहले हम लोग का क्या था, हम लोग इतना अमाउंट का खाने से हो जाता था या इतना अमाउंट का पानी पीने से हो जाता था, अभी क्या है डबल, हर चीज में डबल होते जा रहा है। तो इस चीज को मतलब आपका ध्यान पे रखते हुए ये इंग्रेडिएंट्स जो है नया इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, जिसका वजह से प्राइसिंग में इफेक्ट आया और प्लस जो एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है उसमें आपका क्या हुआ, थोड़ा प्राइस बढ़ना मतलब बढ़ते गया। क्योंकि देखिए पहले जो सामान हम लोग को 1-2 रुपए में मिलता था वो अभी हम लोग को मिलेगा क्या 1-2 रुपए में? नहीं, क्योंकि क्यों, चीजें आपका जेनरेशन वाइज प्राइस भी आपका कॉस्टली होते जा रहा है। जो आप मार्केट में आपका अंडा खरीदने जाते थे वो पहले कितना कम प्राइस में मिलता था, 5 रुपीज ऐसा कुछ था, और अभी में आपका 10 रुपए तक पहुंच गया क्या कुछ ऐसा है, तो सोचिए कितना डिफरेंस हुआ है। तो हर चीज में ये सब चीजों का वजह से ये प्राइस जो है वो बढ़ाने का स्टेप लेना पड़ा। बिकॉज आप भी बिजनेस करते हैं, आपको भी पता है वो चीज की कितना कुछ मार्केट में प्राइजेस का डिमांड मतलब बढ़ा है। तो हर चीज का ये चीज मतलब आपका चेंज करना पड़ा। तो आपका फर्स्ट हो गया इंग्रेडिएंट ऐड हुआ है, इसीलिए एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट का भी दाम बढ़ गया, क्योंकि ये आपका ज्यादा से ज्यादा बाहर से आपका इंग्रेडिएंट्स हर देशों से कलेक्ट करना पड़ता है, या आपका क्या इंडिया से भी जो इंग्रेडिएंट्स होता है बहुत रेयर है, बिकॉज प्रोडक्शन आजकल कम हो रहा है, बिकॉज आपका सीजनल चेंज क्या बारिश कम हो गया है, धूप ज्यादा हो गया, ऐसे बहुत सीजनल प्रॉब्लम क्लाइमेट प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ है आपका सप्लाई कम होते जा रहा है। और जब सप्लाई कम होता है, जब डिमांड बढ़ता है, तब हमेशा प्राइस आपका हमेशा इफेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज का वजह से आपका ये प्राइस आपका ज्यादा रखना पड़ा। तो ये चीज हो गया आपका। तो हम लोग अभी देखते हैं कि क्या नया इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है और उसका बेनिफिट क्या गया है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऑलरेडी आपका अन्वेषण मैम ने समझा दिया है, तो उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। तो जो एग्जिस्टिंग आपका है वो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं जो मुझे लगता है। तो हम लोग जो नया इंग्रेडिएंट है वो है आपका मिनरल कॉकटेल। वो आपका क्या करते हैं, आपका मिनरल कॉकटेल एक्चुअली एक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल का काम करते हैं। उसमें आपका क्या होता है, अलग अलग आपका मिनरल रहता है। जैसे मिनरल कॉकटेल मतलब क्या, मिक्सर, कॉकटेल मतलब आपका अलग अलग मिनरल का मिक्सर बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या है, मल्टी मिनरल जो है उसमें आपका जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये आपका तीनों इंग्रेडिएंट का मिक्सर करके बनाया, जो एक्चुअली आपका क्या करते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स को एनर्जी देते हैं, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा आपका स्किन को बूस्ट करे, सो दैट आपका स्किन क्वालिटी ठीक रहे एंड आपका स्किन क्लियर दिखे। जो भी आपका डैमेजेस है, जिसका वजह से आप डैमेज हुआ है, उस चीज को क्योर करते हैं, ओवरऑल आपका चीज को क्योर करते हैं। तो ये मिनरल कॉकटेल आपका इंग्रेडिएंट बूस्टर की तरह काम करता है। दैट मींस आपका इंग्रेडिएंट को एक बूस्ट करते हैं, एनर्जी देते हैं। जैसे हम लोग आप रेडबुल लेते हैं, क्यों रेडबुल पीते हैं, क्योंकि ताकि आप बॉडी को एनर्जी मिले। तो वही चीज आपका मिनरल कॉकटेल आपका इंग्रेडिएंट्स को एनर्जी देते हैं, ताकि आपका स्किन डैमेज के साथ ज्यादा से ज्यादा फाइट कर सके। तो इसमें आपका और एक फैक्टर है जिसका वजह से प्राइस में आया है, वो है आपका पैकेजिंग। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पैकेजिंग बहुत सुंदर से बनाया गया है। बिकॉज पैकेजिंग क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि पैकेजिंग इसलिए चेंज करा है क्योंकि यहाँ पे आप देखने से ही आप बहुत कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर पैकेज है, तो इसमें आपका क्या करते हैं, लोग देख के ही कितना अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज को। और प्लस जैसे कि मैंने बोला, हम लोग का इंटरनेशनली भी प्रोडक्ट जाते हैं, तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ मैच करने के लिए, एक स्टैंडर्ड होने के लिए ये पैकेजिंग एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग रखा हुआ है। बिकॉज आप मार्केट में देखेंगे बहुत स्टैंडर्ड पैकेजिंग के साथ रहता है, तो ऑब्वियसली हम उन लोग को कम्पीट करने के लिए हम लोग का पैकेजिंग स्टैंडर्ड पैकेज होना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो है आपका विटामिन थेरेपी बॉडी लोशन, जो हम लोग एक्चुअली स्किन के लिए है आपका, जो ये मॉइस्चराइजर की तरह काम करते हैं। इसमें भी आपका पैकेजिंग का चेंजेस आया है, जिसकी वजह से आपका इसमें आपका प्राइजेस का भी चेंज हुआ है। जो हम लोग अभी पहले भी आपका क्वांटिटी 100 ml ही था, तो इसमें पहले का जो प्राइस था वो ₹250 था, अभी का प्राइस क्या हुआ है वो ₹275 बन गया है। बिकॉज ऑफ व्हाई, पैकेजिंग प्लस इसमें आपका इंग्रेडिएंट्स भी डाला गया है। तो हम जो नया इंग्रेडिएंट्स डाला गया है उसके बारे में मैं बात करूंगी, वो है आपका सोडियम PSA प्रोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट। इसमें ये नया इंग्रेडिएंट डाला गया है,
ये आपका क्या करता है, इसमें आपका जो मेन काम है ये आपका स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को आपका हाइड्रेट करते हैं, उसके बाद आपका जो डेड सेल्स है उसको आप उसको रिड्यूस करते हैं, उसके बाद जो स्किन डैमेजेस है उसको आप मॉइस्चराइजर की तरह काम करके उसको प्रिवेंट करते हैं स्किन डैमेजेस को, उसके बाद जो सोडियम पीएसए जिसका काम है वो है आपका नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करते हैं। तो वो हम लोग का क्या करते हैं, बॉडी को, पहले क्या होता था आपका बॉडी, एक बॉडी जैसे हम लोग का अंदर में इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के क्या क्यों जरूरी होता है, ताकि नेचुरली एक बीमार को फाइट कर सके। तो ये सोडियम पीएसए प्रोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट भी क्या करते हैं, हम लोग का बॉडी का जो नेचुरली नेचुरल प्रोसेस जो फाइटिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्किन डैमेजेस होते होते वो कहीं ना कहीं लैक हो गया है, तो सोडियम पीएसए वो चीज को फिर से इम्प्रूव करते हैं ताकि बॉडी एक डैमेज को अपने आप हील करने के लिए वो क्षमता रहे, तो उस चीज को फिर से सोडियम पीएसए हेल्प करते हैं ग्रो करने में। तो ये सब चीज जो है वो हम लोग का जो बॉडी लोशन करते हैं, आपका ओवरऑल मॉइस्चराइज रखते हैं बॉडी को। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है आपका बॉडी वॉश। ये हम लोग का जैसे सॉप और साबुन में, सॉप जो है हम लोग का और बॉडी वॉश दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि आपका साबुन में स्क्रब इफेक्ट था और बॉडी वॉश में आपका स्क्रब इफेक्ट नहीं है। जो चीज में स्क्रब इफेक्ट इसमें क्यों नहीं डाला गया है, ताकि इसीलिए क्योंकि किसी किसी का स्किन का बहुत सेंसिटिव होता है जिसका वजह से वो लोग स्क्रब को नहीं ले पाते हैं, या कोई थोड़ा रेडनेस आ जाता है, आप पकड़ लीजिए बच्चे का स्किन टाइप बहुत बहुत सेंसिटिव होता है उन लोग का, तो उन लोग के लिए स्क्रब नहीं मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उन लोगों को यूज करने के लिए, तो इस चीज को ध्यान पे रखते हुए वो ये चीज बनाया गया है। और प्लस ये आप कैरी कहीं भी कर सकते हैं, जो साबुन आप कैरी करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप बॉडी वॉश को कहीं भी कैरी कर सकते हैं, वेरी अफोर्डेबल है ये चीज, आप कहीं भी कैरी करके और हाइजीन भी रहते हैं, तो जिसका वजह से ये चीज आपका इस पैकेजिंग में आया है, पैकेजिंग में डिफरेंस हुआ है, आपका पैकेजिंग स्टैंडर्ड पैकेज हो गया है, जो आपका ऑब्वियसली प्राइस में भी थोड़ा इफेक्ट आएंगे। तो पहले आपका क्या होता था 200 ml में जो था वो आपको 275 में मिला है, अभी आपका डिब्बा को चेंज किया गया है, थोड़ा कम क्वांटिटी वाला बनाया गया है, अभी आपको नया वाला जो है वो है 100 ml में मिलता है और प्लस 220 रुपीज का है। तो ये चीज आपका क्या हो गया, वो आपका छोटा हो गया है। व्हाई? बिकॉज ये बैग में कैरी करने के लिए इजी होने के लिए, पहले आपका थोड़ा बड़ा था तो समय डाले, अगर छोटा पर्स लेके जा रहे हैं फीमेल्स का या मेल का भी, तो और ऑब्वियसली वो लोग इतना बैग वो कैरी नहीं करते, शायद ये चीज आपका थोड़ा इजी होने के लिए ये किया गया है। और आपको ये चीज बहुत लोग क्या करते, इतना बड़ा वाला खरीदने मन नहीं करते, तो ये चीज को फैक्टर्स को ध्यान पे रखते हुए ये चीज का ऐसे बनाया गया है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं इसमें एक नया इंग्रेडिएंट्स क्या डाला गया है। ये नया जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें मैंडरिन डाला गया है, बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको ऑलरेडी मैम ने बता चुका है तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। तो मैंडरिन आपका क्या करते हैं, विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली क्या है, ऑक्सीडेंट एक्चुअली क्या है मैं बताती हूँ। ऑक्सीडेंट आपका क्या है, जो बॉडी में हम लोग इतना सारा कुछ उल्टा पुल्टा खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं जैसे मैम ने बताया, बहुत सारा रेड पाउडर, ये सब बहुत सारा चीजें खाते हैं जिसका वजह से कहीं ना कहीं फास्ट फूड भी इफेक्ट करते हैं हम लोग का, तो कुछ बैड पार्टिकल्स हम लोग का बॉडी में आ जाते हैं जिसका वजह से हम लोग का क्या करते हैं, स्किन को बहुत डैमेज कर देते हैं, या इंटरनली भी हम लोग का बहुत डैमेज होता है। तो ये चीज ऑक्सीडेंट जो है, एंटीऑक्सीडेंट जो क्या करते हैं, वो बैड पार्टिकल्स को पूरा डैमेज कर देते हैं, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, निकाल देते हैं बॉडी से, ताकि आपका स्किन फिर से वो ग्लो करे और आपका जो सेलुलर जो है वो सेल्स को आपका प्रिवेंट करते हैं, जो भी डैमेजेस हुआ है उसको फिर से रिन्यू कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, जो पहले जैसा क्वालिटी था वो मेंटेन फिर से करा देते हैं। तो वही चीज आपका मैंडरिन करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का जो है वो है आपका फेस वॉश, जो आपका सभी के लिए है, ऑलरेडी मैम ने बताया है, इसमें भी आपका पैकेजिंग का चेंज हुआ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें आपका फेस वॉश में आपका जो प्राइस है उसमें हम लोग देखते हैं, पहले भी सेम था 100 ग्राम, अभी भी आपका 100 ग्राम ही है, पहले का जो प्राइस था वो आपका था 190, अभी क्या हुआ है 220 हो गया है। तो why is it, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें पैकेजिंग एंड प्लस इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है और एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट का भी प्राइस बढ़ा है।
तो हम लोग देखते हैं जो नया इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो है आपका नटमेग जायफल। ये आपका क्या करते हैं, ये आपका स्किन, जो स्किन है आपका, जो रिंकल्स को ठीक करते हैं, उसके बाद आपका एंटी एक्नी एजेंट का काम करते हैं, ये ऑलरेडी हमने पता है। मेन जो आपका नटमेग है वो क्या करते हैं, आपका स्किन को अपलिफ्ट करते हैं। क्यों, कुछ किसी किसी का स्किन आपका क्या है, बहुत झूला हुआ जैसा होता है। व्हाई इज इट, क्योंकि वो ढीला हो जाता है। मे बी आप जो लगाने का, फेस वॉश करने का प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं आप लोग गलत कर रहे हैं। बिकॉज बहुत लोग रफली मतलब मुंह को धो देते हैं, फेस वॉश हाथ में लिया एकदम पूरा ढनाधन फेस में लगाया, तो कहीं ना कहीं आपका फेस में जो आपका पोर्स है या जो आपका मतलब फेस का क्वालिटी स्किन है, उसमें कहीं ना कहीं आपका हार्म हो रहा है। तो वो चीज को ध्यान पे रखना चाहिए हमेशा। फेस वॉश यूज करने से हमेशा आप ऊपर की तरफ लगा लगा के आप मालिश करते करते आपको फेस वॉश करना है, जो चीज आपका स्किन को टाइट रखते, ढीला नहीं करते। तो ये नटमेग कहीं ना कहीं, अगर ऐसा लोग है जिसका स्किन ऑलरेडी ढीला है, तो नटमेग उस चीज को फिर से आपका ग्रो मतलब स्किन को आपका फिर से लिफ्ट करते है, तो ये प्रॉब्लम ठीक करते है। उसके बाद आपका स्किन को फिर से क्या करते है, आपका फिर से यंग दिखाते हैं। जैसे हम बोला है कि ये चीज कहीं ना कहीं किसी का मतलब आपके एज से पहले ही बहुत एजिंग जैसा दिखने लगता है, स्किन क्वालिटी डैमेजेस की वजह से, वो फिर से ठीक करते हैं और बेटर कराते हैं। ये है हम लोग का फेस वॉश। नेक्स्ट जो है हम लोग का फेस वॉश फॉर हिम, वो आपका क्या है, पहले जो था वो 100 ग्राम का ही था, अभी भी 100 ग्राम है। उसके बाद आपका प्राइस पहले 220 का था, अभी जो हो गया है 250। वाई हम लोग ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो हम लोग इसमें आपका क्या है, जो आपका पैकेजिंग है वो चेंज हुआ है, आपका पूरा पैकेजिंग, होल पैकेज ही चेंज हो गया है, स्टैंडर्ड पैकेज हो गया है, सॉरी। तो इसमें आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो अभी और पहले का इंग्रेडिएंट्स सेम है, इसमें कोई नया इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज पैकेजिंग का आपका चेंज हुआ है, इसलिए प्राइस बढ़ा है, एंड देन आपका जो एग्जिस्टिंग जो पैक वो हम लोग का जो पहले और अभी का जो सेम है, वो इंग्रेडिएंट्स में क्या हुआ है, ज्यादा दाम बढ़ गया है। अब जब बाहर से ला रहे हैं, कलेक्ट हो रहा है, उस चीज में कहीं ना कहीं हम लोग को ज्यादा पहले से प्राइस देना पड़ रहा है, जिसका वजह से ये प्राइस को भी हम लोग कंपनी को बढ़ाना पड़ा इसीलिए। और ये एक स्टैंडर्ड आपका दाम रखा हुआ है, ताकि आप जो मार्केट सर्वे है, जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, वो आप जब कंपेयर करेंगे, उनका दाम कहीं बहुत ज्यादा है, जो ऑर्गेनिक नाम पे बेचते हैं बट एक्चुअल में ऑर्गेनिक नहीं है। तो उस चीज को अगर कंपेयर करेंगे, उन लोग का प्राइस 500-600 तक चला जाता है, ऑर्गेनिक बोल दिया तो 500-600 तक चला जाता है, जो हम लोग का नहीं है, एक बहुत इजी प्राइस से रखा है। तो आप अगर ऐसे कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं, उस चीज को आप मार्केट चीज को जो बाकी प्रोडक्ट है उनके साथ आप कंपेयर करके दिखाइए, तो लोग ऐसे भी समझ जाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग का फेस वॉश फॉर हर, जो अभी का प्राइस है 250, और पहले जो था वो आपका 220 था, जो 100 ग्राम में ही है। इसमें भी आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। और उसके बाद आपका क्या हुआ है, जो पैकेजिंग है उसमें चेंजेस आया है, एंड सेम मैं यहाँ पे भी बोलूंगी, इंग्रेडिएंट्स का जो एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है उसका प्राइस की वजह से मार्केट प्राइस बढ़ गया है, एंड सप्लाई आपका कम हो गया, जिसका वजह से प्राइस में आपका इफेक्ट आया है। एंड देन हम लोग का जो नया प्रोडक्ट आने वाला है वो है आपका डे क्रीम, जो बहुत डिमांड में था। सर्वे करने के बाद पता लगा कि लोगों का ऑब्वियसली क्या है, क्यों डे क्रीम और नाइट क्रीम रखा गया है, बिकॉज दिन में हम लोग का जो स्किन है वो अलग से फंक्शन करता है और रात में अलग से। व्हाई इज इट, क्योंकि दिन में हम लोग बहुत सारा एक्टिविटीज करते हैं, डेट इज हम लोग का जो सन हम लोग मतलब धूप में जाते हैं, उसमें हम लोग का अलग से हम लोग का फंक्शन करते हैं, अलग से स्किन को एडॉप्ट करना पड़ता है हर चीज को लेके। तो उसका वजह से हम लोग का ये डे क्रीम एंड नाइट क्रीम लाया गया है। इसमें आपका जो प्राइस है वो है आपका 495, जो 50 ग्राम का बॉटल है, ऐसे आपको बॉटल में आएंगे, जो आपका स्टैंडर्ड पैकेजिंग है। ये आपका क्या करते हैं, ये आपको हम लोग का स्किन को हाइड्रेट करते हैं, आप उसके बाद इसको हम लोग को फिर से यंग दिखाते हैं। अगर किसी का हम लोग का फेस में कहीं ना कहीं आपका स्किन बहुत ज्यादा सूख गया है या हाइड्रेट नहीं है, वो चीज को लेके हम लोग का मुंह डायरेक्ट हम फेस देखने से ही पता चल जाता है कि फेस एक्चुअली हेल्दी नहीं है।
सूखा हुआ होता है, रिंकल्स मतलब स्टार्ट होने लगता है, स्किन ग्लो नहीं रहता है, तो वो ग्लो वापस लाते हैं। और ये सन प्रोटेक्शन भी है, दैट इज SPF 15 में है। ये आपका स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। उसके बाद हम लोग का स्किन में अगर कुछ ऑड इवन स्किन टोन है, एक जगह में आपका थोड़ा ब्राउन है, एक जगह में ज्यादा सफेद है, ये आपका ओरिजिनल कलर कहीं और थोड़ा पार्ट में दिखा रहे, कहीं आपका अलग कलर हो रहा है, तो वो सब चीज को भी ठीक करते हैं। सो सन रेज जो हम लोग जाते हैं उसका वजह से हम लोग का बहुत टैनिंग होता है, ये सब चीज को भी ठीक करते हैं और एजिंग को भी स्लो करते हैं। क्योंकि बहुत लोग का क्या करते हैं, एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डैमेजेस, तो वो चीज को भी प्रिवेंट करते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है आपका पर्सले एक्सट्रैक्ट एंड L22। तो पर्सले एक्स्ट्रैक्ट क्या करते हैं, आपका एक्नी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, पिंपल्स जो है, दाग है, वो सब चीज को भी ठीक करते हैं। अगर स्किन इन्फेक्शंस है, थोड़ा आपका डस्ट होने की वजह से हम लोग ज्यादा पोंछ देते हैं हाथ से, या अच्छे से मतलब हम लोग हाथ को धोके पोंछते नहीं है, थोड़ा हम लोग ज्यादा स्वेटी है और प्लस डस्ट लग गया है, दोनों चीज का कहीं ना कहीं स्मॉल कट रहता है जो आप दिखाई नहीं देते पर आपको फील होता है, वो रेड हो जाता है, तो वो चीज को भी ठीक करते हैं। उस चांसेस रहता है स्किन इन्फेक्शन होने का जो ये क्योर करते हैं, तो इसको डिस इनफेक्ट पोर्स, जो पोर्स है हम लोग को उसको डिस इनफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो L22, उसमें क्या है आपका जजोबा, माकाडामिया, उसके बाद ऑयल है, उसके बाद टोकोफेरोल है। इसमें एक्चुअली L22 क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसमें इसलिए इसको इंग्रेडिएंट, ये आप लगाने का बाद एक्चुअली आप 22 दिखने लगेंगे, आपका ये जगह 40 है, आपका ये जगह ये है आपका स्किन, लेकिन आपको जितना भी आप एज बढ़ते जाएंगे आपका इसको 22 एज के जैसे देखेंगे। बिकॉज व्हाई, 22 इयर्स एज लोग का स्किन आप देखते हैं बहुत यंग दिखते हैं, बहुत ये, तो वो चीज इसीलिए इसको रखा हुआ है। तो ये आपका की पॉइंट है, जब आप मार्केट में ये प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो इंग्रेडिएंट को याद रख के आप बोल सकते हैं, लोग बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वाह मुझे 22 दिखेंगे ये लगाने के बाद, ऐसे आप प्रमोट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या करते हैं आपका, तो आपका जो है स्किन हो, मैंने बोला ये यंग दिखाते हैं और आपका स्किन को हेल्दी रखते हैं। तो यही हम लोग का है डे क्रीम। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो है नाइट क्रीम। इसमें आपका प्राइस 495 है 50 ग्राम में। तो ये आपका क्या है, ऑयल फ्री आपका है इसमें, क्योंकि बहुत लोग नाइट में क्या करते हैं, प्रिफर नहीं करते लगाने का, ऑयली स्किन में ये ज्यादातर प्रॉब्लम होता है, कोई क्रीम ही उन लोग को सूट नहीं करता, बिकॉज वो ऑलरेडी ऑयल की वजह से वो लोग का क्रीम हट ही जाते हैं, और इसलिए वो लोग क्या करते हैं, नहीं क्रीम लगाने वाला बंद ही कर देते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सब चीज को देखते हुए नेक्स्ट ने आपका ये ऑयल फ्री नाइट क्रीम लाया है। तो इसमें आपका क्या करते हैं, आपका स्किन को लाइट करते हैं, किसी का स्किन बहुत हार्ड होता है, मैक्सिमम आपका मेल्स लोग का स्किन बहुत हार्ड होता है, जिसका वजह से हम लोग का बहुत हैवीनेस लगता है फेस को, उतना सॉफ्ट नहीं लगता, जब टच करते तो आपका आपको थोड़ा अजीब लगता है, तो वो चीज आप क्या करते हैं उसको ठीक करते हैं, मतलब आपको सॉफ्ट करते हैं, उसको मॉइस्चराइज करते हैं और आपका उसको प्रॉपरली आपको मतलब हेल्दी रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। इसमें आपका अकाई बेरी है, गोजी बेरी है, इसके बाद हियालोरिक लोरनिक एसिड है, जो आपका क्या करते हैं ये लोग, आपका हेल्दियर स्किन प्रमोट करते हैं, उसके बाद आपको स्किन को आपका यंग दिखाते हैं। और मैंने बोला कि रात का जो हम लोग जो टेम्परेचर होता है रात का रूम का हम लोग, और वहाँ पे हम लोग का रात का आपका क्या होता है, मून निकलता है, उसमें आपका अलग से फंक्शन होता है, हम लोग का एनवायरमेंट वाला चीज अलग से काम करते हैं, तो वो चीज का वजह से हम लोग का स्किन अलग से फंक्शन, अलग से चीज को उस हिसाब से इंग्रेडिएंट वाला चीज हम लोग का फेस को अप्लाई करना चाहिए, तो इसीलिए ये अलग अलग है। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी स्किन को हाइड्रेट किया है, क्योंकि इसमें विटामिन ए सी ई भी है, तो इसमें आपको क्या करते हैं, आपका जो रिंकल्स है वो रातों रात आपका क्योर करते हैं, ताकि आपका धीरे धीरे वो रिंकल्स आपका ठीक होते जाए, बिकॉज हम लोग साउंड स्लीप में होते हैं रात को, रात को हम लोग का इतना एक्टिविटीज नहीं रहता, इतना वो नहीं होता है, बिकॉज हम लोग बहुत रिलैक्स होके नींद में रहते हैं, तो उसमें हम लोग का ये सब काम करने में बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ना धूल आते हैं ना कुछ ऐसा होता है, तो इस चीज को लेके हम लोग अगर लगाएंगे तो बहुत जल्दी क्योर होने का चांस रहता है। उसके बाद सन डैमेजेस जो हुआ है दिन में, आप कितना घूमे हैं धूप में, वो भी क्योर करते हैं। उसके बाद इसमें आपका स्किन जो है हम लोग का, उसको आप मॉइस्चराइज करते हैं और हाइड्रेट करते हैं, ये है हम लोग का नाइट क्रीम। नेक्स्ट है हम लोग का सनस्क्रीन।
तो इसमें आपका सनस्क्रीन जो है वो है आपका जो पहले का जो प्राइस है वो था आपका 395 और अभी आपका जो प्राइस है वो है आपका 495 बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग एंड आपका जो क्वांटिटी है बॉटल का वो सेम है. तो इसमें आपका क्या चेंजेस है, आपका फर्स्ट जो चेंजेस है वो है आपका SPF. पहले आपका 30 था, अभी आपका 40 है. क्यों 40 रखा है, पहले हम लोग जब स्किन इंडियन स्किन जो है एक्चुअली बोला जाए तो 30 इज इनफ, वो था पहले. लेकिन अभी क्या हुआ है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो गया है, बहुत गर्मी हो गया है. वो पहले हम लोग खुद भी फील करते हैं ना, पहले गर्म और अभी का गर्म बहुत अलग हो जाता है, जिसका वजह से हम लोग को ये SPF 40 बढ़ाना पड़ा. तो ये चीज आप 50, 60, 70 लोग क्या सोचते हैं मार्केट में जाके 50, 60, 70 इतना SPF ढूंढ लेते हैं. तो सोचिए इतना SPF अगर आप फेस में लगा रहे हैं तो आप कितना फेस को हार्म कर रहे हैं. वो लिटरली आपको धूप में जब जाएंगे ना प्रोटेक्ट करने का क्या, रादर देन प्रोटेक्टिंग आपको क्या करेंगे, आपका स्किन को जला देंगे इतना SPF लगाने से. तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिए कि हम लोग एक्चुअली कौन सा वो देश में रहते हैं, कितना हीट प्रोड्यूस होता है, उस हिसाब से ही SPF जो इनफ है अभी का टाइम पे, ह्यूमिड बढ़ने का टाइम पे भी 40 इज इनफ, ये हमेशा ध्यान पे रखिए. और ये आपका क्या करते हैं, ड्राइनेस बढ़ाते हैं, ड्राइनेस कम करते हैं, टैनिंग, ये सब ऑलरेडी आपको बताया गया है मैम. तो मैं नया जो इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है वो बताती हूँ, वो है गलंगल एक्सट्रैक्ट, जो आपका यूवी रे जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं. उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टीज है इसमें, जैसे मैंने बोला कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, जो ऑक्सीडेंट मतलब बैड पार्टिकल्स है जो स्किन का, वो आपको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसको स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं. ये है आपका सनस्क्रीन. नेक्स्ट है हम लोग का अंडर आई जेल, जो आपका आँख का नीचे का पोर्शन के लिए बनाया गया है. बिकॉज हम लोग फेस को बहुत ध्यान देते हैं और हमेशा इग्नोर्ड पार्ट कौन सा रहता है, जो हमेशा लीस्ट हम लोग ध्यान देते हैं वो है हम लोग का आँख का नीचे का पोर्शन. जैसे मैम ने ऑलरेडी बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन का वजह से अगर प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग का आईज का जो पोर्शन है नीचे का, वो बहुत सारा डैमेजेस दिखाई देते हैं. एंटी डार्क जो हम लोग का क्या करते हैं, वो हमेशा हम लोग का ये पार्ट हमेशा हम लोग नोटिस पे नहीं रखते हैं, जिसका वजह से हम लोग का पूरा ये काला हो जाता है. उसके बाद हम लोग ज्यादा हम लोग का आग जलन होता है और रात रात को कभी कभी हम लोग मैक्सिमम हम लोग का टेंशन, जो फीमेल्स लोग का मैक्सिमम टेंशन कब आ जाता है, सोने से पहले ही पूरा स्ट्रेस हो जाता है, जिसका वजह से हम लोग का नींद नहीं आता है. तो अंडर आई जेल ये रिलैक्स सेशन का काम भी करते हैं, मैंने खुद लगा के ये एक्सपीरियंस किया है एक्चुअली. तो ये चीज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप रात से पहले आप अगर लगा रहे, इवन दो आपका कुछ भी ये आपका मतलब आपका जो डार्कनिंग ये एंटी डार्कनिंग का चीज अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डार्क सर्कल का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप ये लगाएंगे तो आपको बहुत साउंड स्लीप होगा, दैट मीन्स आप बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर सो सकते हैं. तो ये चीज भी बेनिफिट यहाँ पे है. तो इसमें ऑलरेडी मैम ने बाकी तो बता ही दिया है. तो यहाँ पे जो नया इंग्रेडिएंट है वो है आपका टुलिक एक्सट्रैक्ट, जो आपका क्या करते हैं, जो आँख के नीचे आप देखेंगे बहुत आपका एजिंग इफेक्ट आ जाता है, कोई थोड़ा स्किन थोड़ा आपका क्या करते हैं उसको स्किन को आप बहुत मतलब रिंकल्स टाइप हो जाता है वो आँख का पोर्शन के नीचे, तो थोड़ा मतलब एजेड लगने लगते हैं, सिर्फ आँख का पोर्शन ही ऐसा होता है. तो वो चीज क्या करते हैं, टुलिप एक्स्ट्रा की एक चीज को ठीक करते हैं, एजिंग इफेक्ट को रोकते हैं. उसके बाद आपका जो कम्प्लेक्शन है, जैसे डार्क सर्कल का जो है प्रॉब्लम, वो भी क्योर करते हैं और कम्प्लेक्शन को ओरिजिनल कम्प्लेक्शन को मैच करते हैं. ये है आपका अंडर आई जेल. तो इसमें आपका प्राइस का डिफरेंस है ऑब्वियसली, तो वो आपका ओल क्या था, वो अभी का जो अंडर आई जेल है वो पहले से थोड़ा छोटा है. तो वो चीज आप देखेंगे, पहले आपका क्या था 50 ग्राम में आपका 450 में था, अभी आपका 25 ग्राम में 225 रुपीज में मिल रहा है. नेक्स्ट है हम लोग का फेस मिस्ट. तो फेस मिस्ट ऑब्वियसली आपका ये क्लींजिंग का काम करते हैं. ऑलरेडी हम लोग फेस मिस्ट क्या है हम लोग सुन चुके हैं मैम से. तो ये चीज आपका जो पुराने वाला प्राइस था वो है आपका 200 ml में था, वो 385 था. उसके बाद अभी वाला जो है वो है आपका 100 ml जो 280 में है. ये क्यों किया गया है, सेम आपका जैसे बॉडी वॉश में था, क्योंकि ये कैरी करना है, क्योंकि ये आपका चीज क्या है इंस्टेंट क्लींजर है, आप हमेशा इसको कैरी करना चाहिए. तो ये चीज आपका इसीलिए जो अगर कैरी करने के लिए आप इजी होने के लिए ये आपका
बॉटल को छोटा करना पड़ा ताकि आप बैग में आराम से कैरी कर सकते हैं या मेल्स लोग आराम से पॉकेट या ऐसे कुछ इजीली लेके घूम सकते हैं, तो इसीलिए ये चेंजेस करना पड़ा। तो इसमें जो नया इंग्रेडिएंट डाला गया है वो है आपका विंटर ग्रीन, दैट इज आपका एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। क्यों, मैंने जो बताया था कि हम लोग जब बाहर जाते हैं बहुत स्वेटी हो जाते हैं, मतलब बहुत पसीना निकलते हैं हम लोग का, और प्लस पसीना में अगर थोड़ा धूल भी लग गया और आपने धूल पसीना में ऑब्वियसली आपका खुजली तो करते ही है, फेस इचीनेस होता है, जिसका वजह से हम लोग अनोइंगली, हम लोग जानते नहीं है लेकिन अपने हाथ को रोक नहीं पाते, तो वो अनजान होके हम लोग खुजली कर देते हैं जिसका वजह से हम लोग का बहुत कट जैसा लग जाता है, थोड़ा रेडनेस हो जाता है, तो वो चीज का वजह से क्या होता है, सेप्टिक होने का चांस है। तो ये विंटर ग्रीन एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। तो आप जब क्लीन करेंगे ऐसा कुछ हो भी रहा है ना, तो अगर आपको वो चीज आपका क्या है काइंड ऑफ सेप्टिक क्रीम की तरह भी क्योर कर देते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का शैम्पू। तो ये शैम्पू जो है हम लोग का जो पुराना प्राइस है वो था आपका 100 ml था, उसके बाद उसको क्या कितना में मिलता था वो 220, तो अभी का जो प्राइस है वो है 250। तो इसमें आपका नया इंग्रेडिएंट डाला है, पैकेजिंग का चेंजेस हुआ है इसका वजह से, तो कि यहाँ पे जो नया इंग्रेडिएंट डाला गया है वो है आपका क्यूवी, जो आपका ओवरऑल जो आपका क्या करते हैं हेयर का जो हेल्थ है उसको ठीक रखते हैं, और बाकी इंग्रेडिएंट्स कंबाइन होके ये पूरा कंप्लीट 100% रिजल्ट दे देते हैं, जिसका वजह से ये आपका क्या करते हैं प्राइस एंड पैकेजिंग का फैक्टर्स ऐड करके ये प्राइसिंग में चेंज हुआ है। तो ये प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, बिकॉज आप लोग ही फेस करेंगे फील्ड में, तो वो चीज हमेशा आप लोग खुद को पता होना पड़ेगा, तभी आप आपका जो जॉइनिंग कराने के लिए आप लोग कन्विंस करना है उस चीज को आप करा पाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग का जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है वो आपका प्राइस पहले 220 था, अभी 250 हो गया है। तो ये जो नया इंग्रेडिएंट डाला गया है इसमें वो है आपका ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट, जो आपका ओवरऑल डैंड्रफ को ट्रीट करते हैं। तो उसके बाद जो कारपोरा भी डाला गया है इसमें, जो हम लोग जो डैंड्रफ होने से हम लोग का बहुत ज़्यादा खुजली होता है, सर में बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं और इरिटेशन भी होता है, वो आपका कारपोरा ठीक करते हैं। बिकॉज बहुत लोग आपका क्या ज़्यादा अगर ऑयली आपका है स्कल्प, ऑयली स्कल्प है, तो वो चीज़ को क्या करते हैं ज़्यादा डैंड्रफ होता है, तो वही चीज़ आपका डैंड्रफ मतलब क्या ऑयली स्कल्प लोगों का ज़्यादा डैंड्रफ होता है, तो वो चीज आपका क्या करते हैं पहले का वो था थोड़ा क्या था कि डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू मतलब वो यूज करना थोड़ा कुछ मतलब कंफर्टेबल नहीं मानते थे, तो अभी का वो चीज क्या करते हैं इचीनेस और वो चीज भी ऐड किया गया है, और ऑयली लोग भी ये चीज आराम से क्लीन कर देते हैं, ऑयल को निकाल देते हैं, तो ये सब चीज ऐड किया गया है हम लोग का एंटी डैंड्रफ शैम्पू में। नेक्स्ट हम लोग का है वो है आपका जो है वो है हेयर कंडीशनर। इसमें आपका क्या है, ये जो प्राइस है आपका 250 है, इसमें आपका क्या किया गया है, जो हम लोग का नया इंग्रेडिएंट्स है वो है आपका अर्गन ऑयल डाला गया है। अर्गन ऑयल आपका क्या करते हैं, इसमें आपका मॉइस्चराइजर की तरह काम करते हैं, मतलब दैट मीन्स आप हम लोग फेस मॉइस्चराइज कर रहे हैं, हम लोग बॉडी का स्किन ये सब कुछ मॉइस्चराइज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बाल को भी तो मॉइस्चराइजर चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग का बाल बहुत ज्यादा लोगों का फुला रहता है, किसी का वॉल्यूम ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत मैसी रहता है, मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जब हम लोग ऐसे टाइम पे धो के आने के बाद हम लोग डायरेक्ट कंघी कर देते हैं, वो इतना हैवी रहता है बाल, तो कहीं ना कहीं हम लोग का क्या करते हैं सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप बाल पूरा रूट से अगर टूट के आ जाए तो वो बढ़ेगा नहीं, वो चीज बहुत चांसेस रहता है डैमेज हो जाएगा आपका, तो वो चीज आपका प्रोटेक्ट करते हैं मॉइस्चराइज करने से, आपका सॉफ्ट भी रहता है वो चीज भी रहता है, जिसको आप मैनेज करने के लिए बहुत इजी रहता है, तो अर्गन ऑयल वो मैनेज करते हैं आपका स्कल्प को, और प्लस आपका क्या करते हैं वो डैंड्रफ को भी फाइट करते हैं, जो पहले वो ऐड नहीं था अभी वो ऐड किया गया है, तो वो आपका डैंड्रफ को फाइट करते हैं, और जो स्कल्प है अगर ड्राई है उसको पूरा मॉइस्चराइज करके सॉफ्ट कराते थे आपका, फिर से सिल्की एंड शाइन बाल आपको दिखाई देंगे। ये है आप हम लोग का हेयर कंडीशनर। नेक्स्ट है हम लोग का हेयर न्यूट्रिमेंट, जो आपका ₹360 में आता है अभी। तो इसमें आपका जो इंग्रेडिएंट डाला गया है नया वो है आपका कैंडलीला वैक्स।
ये क्या करते हैं, इसमें आपका क्या है स्टाइलिंग पर्पस में भी आप यूज कर सकते हैं अभी का जो न्यूट्रिमेंट। और हम लोग का पहले बहुत लोग का ये चीज, ज्यादा सक हिल्स लोगों का ये प्रॉब्लम था पहले न्यूट्रिमेंट में, कि आपका थोड़ा जब ठंडा में रहते थे, ठंडा में लगाते हैं तो वो थोड़ा क्या करते बाल में रह जाता है व्हाइट व्हाइट करके। तो ये चीज को अभी पूरा ठीक करके कहीं कोई भी ठंडा एरिया हो गर्म एरिया हो पूरा न्यूट्रल किया गया है, वो अभी पूरा मैनेज किया गया है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो ये चीज इम्प्रूव किया गया है अभी। उसके बाद स्टाइलिंग पर्पस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स लोग तो ऑब्वियसली ऑयल बाहर लगा के जाने प्रिफर नहीं करते, तो रात को ही बेस्ट वो है जो मैम ने ऑलरेडी बताया है वो चीज। लेकिन अभी हम लोग का ये लड़का लोग क्या करते हैं ज्यादा, अगर दूसरा लोग अगर मतलब बहुत जेल लगाते हैं ये लगाते हैं जिसका वजह से बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, तो वो नहीं लगा के किसी को अगर स्टाइलिंग पर्पस में लगाना है ये लगा सकते हैं। ये अभी डाला गया है तो ये इजीली आप कर सकते हैं, और इसको आप आराम से जो अगर बालों का मॉइस्चर चला गया है वो फिर से रीगेन कराते हैं। ये कैंडेलिला वैक्स जो स्कल्प को आपका ठीक करते हैं, जो ड्राइनेस है वो हर चीज को आपका प्रिवेंट कर देते हैं। ये हम लोग का है हेयर न्यूट्रिमेंट। नेक्स्ट है हम लोग का हेयर सीरम, जो आपका नेक्स्ट है हम लोग का हेयर सीरम जो आपका क्या था सेम प्राइस है पहले और अभी का प्राइस आपका सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। और इसमें आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी सेम है, आपका इसमें क्या चेंज हुआ है पैकेजिंग का वजह से प्राइस में इफेक्ट आया है। एंड एग्जिस्टिंग आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपका बहुत लिमिटेड सप्लाई है जिसका वजह से इसमें प्राइस में बहुत बढ़ने गया है। ऑब्वियसली आप मैंने ऑलरेडी बताया है पहले और अभी का प्राइस थोड़े ना हमेशा सेम रहेंगे, जिसका वजह से ये चीज कंपनी को वो चीज मतलब खुद खरीदते समय इतना होने से ऑब्वियसली ये बिजनेस ऐसे ही होते हैं, तो आपको ध्यान से पता होगा जिसका वजह से ये चीज चेंजेस करना पड़ा। नेक्स्ट है हम लोग का बीबी क्रीम। तो बीबी क्रीम में आपका क्या है प्राइस सेम है, इसमें आपका जो इंग्रेडिएंट है वो नया इंग्रेडिएंट डाला गया है एक, वो है आपका सेफ्रोन, जिसमें आपका स्किन को नॉरिश करते हैं और आपका स्किन को लाइटनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं एक्चुअली। तो ये बीबी क्रीम जैसे कि ऑलरेडी बताया है मेल फीमेल दोनों यूज करते हैं, वेरी लाइट इफेक्ट देता है इसमें। इसमें आप कुछ भी लगाने से भी आपको पता ही नहीं चलेंगे कि आप मेकअप वाला कुछ प्रोडक्ट लगा रहे हैं, जो यूजली आप जब बीबी क्रीम मार्केट में वो खरीदते हैं तो आप लगाने का साथ साथ आपको दूर से पता चल जाता है कुछ ना कुछ तो हैवी चीज लगा के आ रहे हैं, जो ये चीज आपको कुछ भी ऐसे फील ही नहीं होगा। आपको खुद जब खुद देखेंगे लगा के तभी भी आपको पता है, शायद से मोस्ट ऑफ पीपल आप लोग यूज कर ही रहे होंगे तो वो चीज आपको फील नहीं होगा। नेक्स्ट है जो हम लोग का नया प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी आ चुके हैं, वो है लिप बटर। तो लिप बटर हम लोग का ये लिप बम का वो करते हैं, लिप बम का काम करते हैं। तो लिप बम का काम क्या करते हैं, जो हम लोग का अगर ड्राइनेस है लिप में तो वो ठीक करते हैं। ड्राई होते होते किसी का बहुत लिप का स्किन फट जाता है और बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है जिसकी वजह से रेडनेस हो जाता है, किसी का तो ब्लड आ जाता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस का प्रॉब्लम इश्यूज रहता है, वो ठीक करते हैं ये लिप बटर। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो कोकोआ सी बटर है, ऑलिव ऑयल है, विटामिन ई है। तो अगर आपको नॉरिश करते हैं, ड्राइनेस को नॉरिश करते हैं, अगर क्रैक्ड एंड चैप्ड लिप्स है जो ऑलरेडी मैंने बताया है, आपका फटने का प्रॉब्लम भी ठीक करते हैं। उसके बाद इसको मॉइस्चराइज करते हैं आपका लिप्स को, आपका सॉफ्ट करते हैं। उसके बाद अगर किसी किसी का स्किन का कलर चला गया है, दैट मीन्स आपका बहुत लोग ज्यादा केमिकल्स आपका लिपस्टिक यूज करते हैं बाहर से, उसमें आपका लिपस्टिक फ्रीक्वेंट यूज करते करते लिप्स का कलर आपका ब्लैक हो जाता है, ओरिजिनल कलर चला जाता है। या किसी किसी का बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं जिसका वजह से आपका स्किन में भी इफेक्ट आता है, तो ऐसे लोग आपका मतलब लिप्स में इफेक्ट आता है, सॉरी लिप्स का कलर आपका पूरा चेंज हो जाता है। और कोई कोई क्या करते हैं ड्राइनेस का वजह से फट्टे फट्टे आपका एकदम स्किन लिप्स का क्वालिटी चेंज हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम ये लिप बटर ठीक करते हैं। ओरिजिनल आपका जो पिंकिश कलर होता था बचपन से वो चीज आपको फिर से ला देते हैं, ओरिजिनल आपका लिप कलर को फिर से वापस लाते हैं। उसके आपका कॉफी एक्सट्रैक्ट भी है जो आपका लिप का जो आपका मतलब ब्लड सर्कुलेशन है वो भी एक्चुअली अलग से काम करते हैं, जिसको आपका इम्प्रूव करा देते हैं। दैट मीन्स आपका ब्लड को अच्छे से फ्लो होने में मदद करते हैं लिप बटर, इट इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन।
नेक्स्ट हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो है हर्बल डेंटल पेस्ट, जो इंग्रेडिएंट सेम है, आपका पैकेजिंग में चेंज आया है, आपका कैप में कवर में भी चेंज आया है, ये चीजें आपका चेंजेस आया जिसका वजह से आपको ये प्राइस अभी जो है वो 180 में मिलेगा, तो वो पहले आपको मिलता था 145, तो जिसका वजह से ये प्राइस में इफेक्ट आया है। बाकी आपको ऑलरेडी मैम ने बताया है कि हर्बल डेंटल पेस्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और क्यों है, ये ओवरऑल आपका जो मुंह का जो सिस्टम है वो आपका ओवरऑल ठीक रखते हैं। दैट मीन्स आपका आपका अगर किसी किसी का बैड ब्रीथ है, मतलब ज्यादा स्मेल करते हैं आपका मुंह, या आप मतलब दांत से कुछ खून निकल रहा है, ऐसा चीजें आपका प्रॉब्लम ठीक करते हैं। ये हम लोग का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये ओवरऑल आपका जितना लोग है इस प्रोडक्ट ही पहले खरीदते हैं, और ये चीज हमेशा इस ये प्रोडक्ट खरीद के लोग धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स भी यूज करने लगते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोग सभी लोग को यूज करना चाहिए। ये है हम लोग का जो प्रोडक्ट है, हम लोग का सर्टिफिकेट है, तो हम लोग ऑलरेडी बोले हैं कि ऑब्वियसली सर्टिफाइड प्रोडक्ट है हम लोग का, तो कुछ भी ऐसा कहीं पे भी ऐसा हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो ऑब्वियसली आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं अगर किसी को बिलीव नहीं होता है कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है, यहाँ पे टॉक्सिक कुछ भी डाला नहीं गया है, ना कुछ एलर्जी प्रॉपर्टीज है, कुछ भी नहीं है, तो आप ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो ये हम लोग का है पर्सनल केयर प्रोडक्ट।